हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान। आज की वीडियो में मैं कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? ठीक है, तो फुलहर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अब एक और प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है पीलीभीत जिले में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है फुलहर झील। और इसकी एक और खासियत क्या है कि ये गोमती नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि गोमती नदी यहीं से निकलती है और गोमती नदी के किनारे बसा हुआ जो जिला है वो है लखनऊ। तो देखिए एक प्रश्न में से कितने सारे प्रश्न बन गए। भारत के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है फुलहर झील जो कि गोमती नदी का उद्गम स्थल है और गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है लखनऊ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा सेकंड प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं चार। कौन कौन से हैं? एक तो है काशी विश्वविद्यालय, यानी कि जिसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तीसरी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो ये चार केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? तो भाई उत्तर प्रदेश का जो नॉलेज पार्क है वो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अब इसको नॉलेज पार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, जिसकी वजह से इसको नॉलेज पार्क नाम दिया गया है। मीन्स ज्ञान से संबंधित ढेर सारी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, यानी कि संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो है थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो बिठूर में है, बिठूर जो कि कानपुर में है। कानपुर जिले में बिठूर नामक एक जगह है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग, उत्तर प्रदेश में है जो, कौन सा है वो? ये है हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य है, गंगा पर बना हुआ है ये। हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में गंगा नदी पर जो राष्ट्रीय जल मार्ग है उसको नेशनल वाटरवेज नंबर वन नाम दिया गया है, नेशनल वाटरवेज नंबर वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित ऐसा तीर्थ स्थान जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के ही लिए महत्वपूर्ण है और दोनों के ही लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो दोनों ही धर्मों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन भी लिखे हैं। राजकीय चिन्ह आपने देखा ये उत्तर प्रदेश का, उसमें क्या नहीं है? मछलियाँ, तीर, धनुष या मोर? तो भाई उसमें मोर नहीं है। ठीक है, दो मछलियाँ दिखती हैं ना, और धनुष भी दिखता है और तीर भी दिखता है जो हमारा राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसमें मोर नहीं है। और मैं अपने बचपन की एक बात बताऊं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमने इसको ऐसे याद किया था, उत्तर प्रदेश की क्या पहचान? दो मछली और एक तीर कमान। तो इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को अपने बचपन में याद किया था। आप चाहो तो आप भी इसी ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है MLC है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो भाई उसमें 100 सदस्य होते हैं, अभी वर्तमान में उसमें 100 सदस्य हैं। और जब उत्तराखंड भी यूपी में ही शामिल था 2000 से पहले, जब इसका विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय यहाँ पर सीटों की संख्या थी 108 और अब कितनी है, अब है 100। चलिए अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारा, जो जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से भी जानते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू हुई थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसका उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ पर मिलते हैं, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ मिलते हैं। भाई देखो, ये एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से मिलाती है और गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाती है, तो ये इन चारों को आपस में मिलाती है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये आपस में मिलते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, जहाँ पर ये आपस में मिलते हैं वो जगह है झांसी। तो उत्तर प्रदेश के झांसी में ये आपस में मिलते हैं और इसको कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, क्योंकि ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं सेंटर माना जाता है उसे, तो उसको कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी में है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है मथुरा के शिल्पकला में, मथुरा का शिल्पकला बहुत फेमस है, तो मथुरा ये पहले से ही फेमस है, मीन्स कनिष्क के समय से, गांधार कला और मथुरा कला, दो कला के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये वही है। मथुरा का जो शिल्पकला है उसमें कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो उसमें किया गया है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है और उत्तर प्रदेश की मथुरा कला से संबंधित है, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो लाल बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। अब एक और अन्य इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था, आप सभी अवेयर हो इसके बारे में, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं ना, उसमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं, तो उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की गई हैं। संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य है, द्वितीय राजभाषा, देखो जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, यानी कि राजकीय भाषा होती है, हर प्रदेश की अपनी अलग अलग होती है, तो वो कभी कभी कोई राज्य जैसे प्रथम राजभाषा और द्वितीय राजभाषा, दो राजभाषाओं का दर्जा दे सकता है, तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। एक और हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा हत्याकांड आपने देखा होगा, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो चोरी चोरा कांड की वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि चोरी चोरा नामक जगह पर एक पुलिस थाने को आग लगा दी गई थी उग्र भीड़ के द्वारा, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। तो ये किस जगह पर है, किस जनपद में है, पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश में है, और दूसरी बात उत्तर प्रदेश के भी किस जनपद में है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा नामक जगह जहाँ पर चोरी चोरा कांड की वजह से ही गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट 15 प्रश्न, और ऐसे ही कुछ और प्रश्न मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी जो कि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित होंगे, और ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे जो पहले भी पूछे गए हैं और अभी और भी अन्य परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने की उम्मीद है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक अवश्य कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे अन्य आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।